क्या बोला आपने, आपको यूट्यूबर बनना है, वो भी 2021 में? ये कैसे होगा भाई, 2021 में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि यार आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। अरे यार मजाक कर रहा था यार, आगे बढ़ने में तो यार मज़ा तभी आता है ना जब यार आपका कोई कॉम्पिटिटर हो, यानी कि अगर जिस काम में यार कॉम्पिटिशन ही नहीं हो तो यार उस काम में मज़ा ही क्या है। आपको आगे बढ़ने के लिए यार सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। तो यार आपको आगे कैसे बढ़ना है और आपको कितना ज़्यादा कंपटीशन अब आपको देखने को मिलेगा और पहले कितना कम कंपटीशन था, ये भी मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। और आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि यार आप एक अच्छे यूट्यूबर बन पाएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, आप में से कुछ लोगों का सवाल यही होगा कि यार 2021 में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है बढ़ चुका है। नहीं हाँ गाइज, ये बात तो यार कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि गाइज 2019 में जो है 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वाले चैनल थे 300, ठीक है। लेकिन गाइज अब है 2021 और अब यार 1200 प्लस चैनल पर 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। ओह माय गॉड, अब आप सोच ही सकते हैं यार कितना ज़्यादा कंपटीशन जो है यूट्यूब पर बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पर बढ़ रहा है। गाइज क्रेज़ यूट्यूब का बड़ा है, मैं मानता हूँ यार यूट्यूब के क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन गाइज आप एक और बात सोचिए ना कि यार जैसे जैसे क्रिएटर बढ़ रहे हैं तो यार वैसे तो यार आपका मतलब व्यूअर भी बढ़ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि गाइज जो भी क्रिएटर नया आता है यूट्यूब पर वो यार सीधा सर्च करता है कि ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है, यूट्यूब के बारे में उसे कुछ पता नहीं है, तो यार वो सर्च करके ही पता लगाएगा ना। तो यार इससे क्या होगा, वो आपके वीडियो को वॉच करेगा, यानी कि वो आपका व्यूअर हुआ। तो यार व्यूअर भी बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ यार यूट्यूब पर क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन क्रिएटर्स के साथ साथ यार व्यूअर भी बढ़ रहे हैं। तो यार व्यूअर पे भी आपको ध्यान देना है ना, आपके पास भी ऑडियंस होगी। ऐसी बात नहीं है कि यार अगर आपका नया चैनल है तो यार आपका चैनल ग्रो ही नहीं होगा। गाइज आप यूट्यूब के डेटा में देख सकते हैं, यूट्यूब के डेटा में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि यार 170 वीडियो जब तक आप अपने चैनल पर अपलोड नहीं करेंगे तब तक यार आपके 1K सब्सक्राइबर पूरे होने मुश्किल हैं। हाँ गाइज, मैं मानता हूँ यार कुछ चैनल जो है काफ़ी तेज़ वायरल हो जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ उनके सब्सक्राइबर गेन हो जा रहे हैं, पर यार वो तुक्का है, ठीक है ना, वो सबके साथ नहीं हो सकता यार, वो एक नसीब की बात है। तो यार आपको नसीब पे ध्यान नहीं देना है, आपको काम करते रहना है, रेगुलर आप काम कीजिए तो यार आपको एक ना एक दिन जरूर बेनिफिट उसका मिलने वाला है। गाइज अब बात कर लेते हैं यार कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स की। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आप आज उनको देख रहे हैं तो यार वो क्या पहले से ही उस जगह पर हैं? पहले से नहीं है ना, पहले यार उनके भी कभी ऐसा भी दिन हुआ होगा कि यार 10-20 व्यू आते होंगे, लेकिन आज लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो यार आपको ये नहीं सोचना है कि यार आज मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे इसलिए मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करूँगा, या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके कुछ वीडियोस अपलोड करके यार बंद कर दूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको कम से कम यार 170 वीडियो तो अपने चैनल पर अपलोड कर ही देनी है, उसके बाद यार आपका जो होना होगा वो होगा। अगर 170 वीडियो अपलोड करके भी आपका चैनल का कुछ ना हुआ तो यार फिर आप सोचिए कि यार मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इससे कम की वीडियो पर यार अगर आप हिम्मत हार जाते हो तो यार आप बिल्कुल भी मत आओ यार इस फील्ड में, मैं सीधे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यार अब की बात कर लेते हैं यार इतने कॉम्पिटिशन में आपके व्यूवर्स कैसे आएंगे। तो यार मैं आपको बता दूँ यार इंटरनेट यूज़र जो है अब के टाइम पर यार 70 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, और गाइज YouTube उसमें से वॉच करने वाले हैं 30 करोड़। तो यार आने वाले 5 सालों में 100 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र होंगे और 50 करोड़ से ज़्यादा YouTube के व्यूवर्स होंगे। तो यार आप सोचिए ना कि यार आपके पास कितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है, लार्ज ऑडियंस है, बस आपको अपना कॉन्टेंट उन तक पहुँचाना है, बस आपका कंटेंट उन तक पहुंचने की देर है। आप यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते जाइए, काम करते जाइए, जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे ही आपका जो यूट्यूब वीडियोस बनाने का तरीका है वो भी चेंजेस आएंगे उसमें भी, और आप दिन ब दिन इम्प्रूव होते जाएंगे। जितना अच्छा आप कंटेंट बनाएंगे, जितना अच्छा आप बोलेंगे कैमरा के सामने, तो यार उतना ही आपका वीडियो जो है मतलब बेस्ट बनता जाएगा। और गाइस आप कोशिश कीजिए कि यार आप अपने ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट दें, हर एक वीडियो आप एकदम क्वालिटी कंटेंट से बनाइए, ठीक है। नहीं
जैसे यार आपकी वीडियोस क्वालिटी कंटेंट बनने लगती है, तो यार आप मान लीजिए कि यार आपने 170 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दी क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, तो यार उनमें से एक वीडियो भी अगर किसी के पास पहुंच जाती है ना, किसी लार्ज ऑडियंस के पास पहुंच जाती है ना, तो यार बस आपको इसी बात का इंतज़ार करना है कि यार एक वीडियो मेरी वायरल हो जाए। जैसे ही आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है तो वैसे ही आपके चैनल पर ऑडियंस आ जाएंगी। अच्छी खासी ऑडियंस आने के बाद तो यार जैसे ही आप उसी कंटेंट से वीडियोस बनाते हैं उसी से रिलेटेड, तो यार आपके व्यूअर्स को इंटरेस्ट भी होगा और आपका चैनल धीरे धीरे करके ग्रो हो जाएगा। और जिस दिन यार आपका चैनल ग्रो हो जाएगा ना, तो यार आप मुझे भी याद रखिएगा कि यार एक भाई था अर्जुन भाई, उसने आपको ये बात बताई थी कि यार आपको थकना नहीं है, सक्सेस नेवर गिव अप। मैं हर एक वीडियो में ये बोलता रहा हूँ गाइस कि यार सक्सेस नेवर गिव अप, ठीक है, आपको हार नहीं माननी है, घुटने नहीं टेकने हैं, क्योंकि गाइस आप यूट्यूब को भी एक मतलब रियल लाइफ ही मान लीजिए। नहीं क्योंकि गाइस रियल लाइफ में आपको तो पता होगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, ठीक है, तो यार रियल लाइफ में जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यूट्यूब पर यार उतना नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं मानता हूँ यूट्यूब पर कंपटीशन है, लेकिन गाइज रियल लाइफ की तरह इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं सहना पड़ेगा। बस आपको अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करनी है और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आपका कंटेंट अच्छा होगा वैसे वैसे यार आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड होते रहेगी, आपकी ऑडियंस को आपका वीडियो जैसे जैसे अच्छा लगने लगेगा वैसे ही यार आपके व्यूज़ बनने लगेंगे, व्यूज़ बनने से तो यार चैनल ग्रो होना ही है, और चैनल ग्रो होगा तो यार आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है, ठीक है ना गाइज। अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हैं जैसे कि यार मजदूरी वगैरह, तो यार आप सारा लाइफ में जो इनकम नहीं कर पाएंगे वो यार आप एक ही महीने में कर लेंगे। पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। अगर आप एक गांव से हो जैसे मैं हूँ, तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी अभी के टाइम पर, यार मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और YouTube पर भी अभी कुछ दिनों से ध्यान देने लग गया हूँ, जब से यार मेरा चैनल का रीच काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है मेरी ही वजह से। तो यार ऐसा आपको नहीं करना है यार, YouTube पर आपको लगे रहना है। मेरी तरह गलती अगर आप करेंगे तो यार आपके भी इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बावजूद यार व्यूज़ काफ़ी कमाएंगे, तो यार ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको रेगुलर काम करते रहना है। चाहे आप हफ्ते में एक ही वीडियो क्यों ना बनाएं लेकिन बनाइए ज़रूर, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और गाइज अगर आप टैग कैटेगरी से हो तो यार आप हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड कीजिए, और अगर आपकी कोई और कैटेगरी होगी तो यार आप उस कैटेगरी के हिसाब से आप बड़े यूट्यूबर्स को देखिए कि आपकी कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स कब कब वीडियोस अपलोड करते हैं, उनको फॉलो कीजिए। उनको जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो उनकी अच्छी आदतें जो है वो आप में आने लगेगी, ठीक है। तो अच्छी आदतें आप सीखेंगे और बुरी आदतों को आपको भूलना होगा, बस यही आपको करना है और YouTube पर आ जाना है। और गाइस आपको सोचते नहीं रहना है आज कल परसों तरसों, ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यार मैं आज नहीं कल बना लूँगा यार YouTube चैनल, परसों बनाऊँगा कोई, तरसों बनाऊँगा कोई वीडियो, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप YouTube पर आना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, जिस भी बारे में आपका इंटरेस्ट है आप उसी बारे में वीडियोज़ बनाइए, जिस बारे में आपका नॉलेज है उसी बारे में आप वीडियो बनाइए, यार वीडियो 100% वायरल होगी। जिस भी काम को करने में यार आपको ज़्यादा मज़ा आता है वही काम जो है एक दिन चल के बहुत बड़ा हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी गाइज। अब मान लीजिए आपको टैग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती दूसरों को देख कर टैग में आ रहे हैं, तो यार ऐसे यार आपका चैनल चलने वाला नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्योंकि गाइज आपको तो यार टैग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो यार आपका चैनल कैसे चलेगा, आप खुद ही यार उसके बारे में नहीं जानते तो यार आप कैसे यार दूसरों को नॉलेज शेयर करोगे, ठीक है ना। ओह काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, ऐसा कौन करता है बताओ। इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यार आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है यार इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस बस इतना ही आपसे कहना था कि यार आपको अगर यूट्यूब पर आना है तो यार आप सोचिए मत, आ जाइए नहीं। क्योंकि गाइज हर जगह पर यार आपको कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर सिनेमा की लाइफ हो या फिर गाइज कोई यूट्यूब वगैरह हो, कुछ भी हो गाइज आपको कंपटीशन तो हर जगह मिलेगा ही, लेकिन गाइज आपको उस भीड़ से अलग बनना पड़ेगा, भीड़ से अलग कंटेंट बनाना पड़ेगा। किसी को कॉपी मत कीजिए, आप खुद का कंटेंट बनाइए और आप
आगे बढ़ जाएंगे। एक ना एक दिन आपका एक वीडियो वायरल हो जाएगा जिससे कि यार आप ऊंचाइयों को छूने लगेंगे, ठीक है ना। बस यही बात थी आपसे करने की। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यार आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और गाइज यहाँ पर आपको दो वीडियो दिख रही होंगी, इन दोनों में से आप एक पर क्लिक करके आप इंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए।